Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Effective Learning by Mehak Vermani. आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डबल एंट्री सिस्टम है इसकी स्टेजेस क्या होती है. मीन्स कि जो डबल एंट्री सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉलो करती हैं, सो उसमें कैसे वो वर्क करती हैं एंड कैसे टिल द एंड वो वर्क करती है, कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो जो डबल एंट्री सिस्टम है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस सिस्टम को क्यों प्रेफर करती हैं, क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को शो किया जाता है, डेबिट एस्पेक्ट को भी एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स को भी. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. सो फर्स्ट स्टेज हमें कह रही है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में, आप उसको रिकॉर्ड कर लो इन जर्नल. सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू टाइप्स की होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं. हमने डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग है इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, मीन्स जिनको हम मनी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाए. ओके, सो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करो, आप रिकॉर्ड कर लो इन जर्नल. अब जर्नल में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हो रही है, लाइक आपने परचेज करा कुछ, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो इन जर्नल. आपने कुछ सेल करा तो उस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लो, वेजेस पे करी, सैलरीज पे करी एम्प्लॉइज को, तो आप वो क्या करो, सब ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लो. ओके, सो फर्स्ट स्टेज में क्या किया हमने, जैसे ट्रांजेक्शन अकर हुई हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया. ओके, सो सेकेंड स्टेज इज क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल by posting them into the appropriate ledger account. अब ledger account क्या होता है, अब हमने क्या किया, जैसे transaction अगर हुई थी हमने first stage में उसको record कर लिया in journal. Okay, so अब हमने कहा, अब अगर हमने कहा हमने purchase करी, तो क्या हम एक, अगर हम एक particular day की बात करें तो क्या हम एक बार ही purchase करेंगे, एक ही बार ही sale करेंगे, ऐसा तो possible नहीं है. हम कितनी बहुत बार हम परचेज करेंगे, कितनी बार हम सेल्स कर लेंगे, है ना. सो जो ये ट्रांजेक्शन बार बार अगर हो रही है, परचेज सेल, तो उसके लिए आप क्या करो, एप्रोप्रिएट अकाउंट बना दो, मीन्स एक एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो. मीन्स जैसे हमने सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करा एंड एक परचेज अकाउंट प्रिपेयर किया, कि एक पर्टिकुलर डे में या एक पर्टिकुलर मंथ में आपने कितनी ट्रांजेक्शन जो है परचेज की करी है, उन सारी परचेज ट्रांजेक्शन को परचेजेस अकाउंट में शो कर दो. जो आपने सेल्स करी है एक पर्टिकुलर मंथ में, आप उसको एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो, सेल्स अकाउंट, उसमें आप सारी सेल्स ट्रांजेक्शन को क्या कर दो, पोस्टिंग कर दो. ओके, सो इससे क्या होगा, हमें पता रहेगा हमने परचेज कितनी करी है एंड सेल्स कितनी करी है. सो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हुई हमने उसको क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई कर दिया इनटू, उसको पोस्टिंग कर दी इन एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट. ओके, सो उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने पोस्टिंग कर दी लेजर अकाउंट में, एंड देन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है. हमने क्या किया, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी उसको पहले जर्नल्स में रिकॉर्ड किया, देन उसको पोस्ट कर दिया हमने लेजर्स अकाउंट में. उसके बाद अब वो कह रहे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो हमने लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करे है ना, लाइक हमने परचेजेस अकाउंट प्रिपेयर किया एंड सेल्स अकाउंट प्रिपेयर किया. सो जो आपका परचेज अकाउंट का बैलेंस आया, जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस आया, उसको अब हम एक जगह लिख देते हैं, वो होता है ट्रायल बैलेंस. ओके, इसके डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर है आगे बुक में, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो हमने क्या करा, अब सेकंड स्टेज तक डिस्कस करा, अब हम थर्ड स्टेज देखते हैं, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को और हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. सो हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करनी है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एट द लास्ट स्टेज. ओके, सो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रिपेयर करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमने जो कितने इनकम्स हमारे को जनरेट हुई है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करके हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं. ओके, हमें पता चलेगा एक पर्टिकुलर ईयर में हमें कितना प्रॉफिट अर्निंग हुई या कितना लॉस हुआ. एंड बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा हमें, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है. ओके, सो हमने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन अकर हुई हमने जर्नल में उसको पहले रिकॉर्ड करा, फिर उसको क्लासिफाई करा आगे फर्दर, मींस जो भी ट्रांजेक्शन थी जर्नल अकाउंट, जो जर्नल में, उसको पोस्ट कर दिया लेजर अकाउंट में. उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया एंड एट द लास्ट स्टेज हमने क्या किया, फाइनल अकाउंट्स बनाए. फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, मींस बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट. ओके, सो ये आज हमने डिस्कस की स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम.
किस स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे वर्क किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी रहती है वर्क कि हमने सारी ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करी है एंड सिस्टमैटिकली। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली वीडियोज को देख सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।